से जो चाल है टायर, जो हमारे टायर रोटेशन करते हैं, यानी टायर घूमते हैं, वो कैसे घूमते हैं, यानी कि इंजन की चाल है वो हमारे टायर व्हील तक कैसे पहुंचती है। कल हमने इसके, यानी कि इसके जो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इंजन के बारे में कुछ जाना था कि हमारी चाल कैसे गाड़ी के अंदर, कैसे इंजन से होते हुए, इंजन से और ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए किससे टायर तक पहुंचती है। उसके अंदर हमने कुछ टेक्निकल टर्म पढ़ी थी, उसके बाद को स्ट्रोक के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, ऑटो साइकिल किसे कहते हैं, और जो हमारा इंजन है उसके अंदर कितने सिलेंडर हैं, बोर है। तो अब हम इसी को नेक्स्ट आगे करते हुए, यानी कि हमारा लंबा टॉपिक है, यानी कि इंजन से लेके हमें चाल कहाँ तक पहुँचानी है, व्हील तक पहुँचानी है, यानी कि टायर तक हमें चाल को पहुँचाना है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इसके अंदर कुछ हमारा जो इंजन है इसको पढ़ने से पहले कुछ एक टेक्निकल टर्म है, हमने कुछ टेक्निकल टर्म इससे लास्ट वीडियो में देखी थी, और कुछ टेक्निकल टर्म है जिनके बारे में, उनके बारे में जानना जरूरी है ताकि उनके आपको उसके बारे में पता होने से क्या है कि आप उसको जल्दी समझ सकते हैं कि किसको क्या कहा जा रहा है और उसका क्या मतलब है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके टेक्निकल टर्म के बारे में। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, यानी कि कुछ टॉपिक डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म, यानी कि जब तक हम इंजन के बारे में कुछ टेक्निकल टर्म है इनके बारे में नहीं जानेंगे तो क्या वो उससे हमारा थोड़ा जो ज्ञान अधूरा सा रह जाएगा। यदि आप ड्राइविंग के किसी ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई डीजल में, तो आपके लिए वीडियो बड़े काम की होने वाली है, यानी कि आप इनको जानने से क्या होगा आपको ज़्यादातर ऑटोमोबाइल की थ्योरी आपके समझ में आ सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेक्निकल टर्म के बारे में। सबसे पहले इंजन, जो यानी कि जो हमारा इंजन है वो काम क्या करता है, जो इंजन है उसका मुख्य काम है, यानी कि जो हमारा मिक्सचर है, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है उसको किसमें करता है, मैकेनिकल उसके अंदर चेंज करता है, यानी कि जो केमिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारा इंजन है, इंजन का मुख्य काम है, यानी कि जो चार्ज, चार्ज क्या हो गया, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो क्या है, केमिकल एनर्जी, फिर उसको किसमें बदली कर रहा है, हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि वो जलेगा तो किससे, हीट उत्पन्न होगी, फिर हीट एनर्जी को वापस किसमें कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हमारी जो चाल है फ्लाईव्हील्स होते हुए रोड व्हील तक जाती है। तो यानी कि इंजन, इंजन हमारा वह साधन है, यानी इंजन वह युक्ति है जो क्या करती है, हमारी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदली करता है। फिर उसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वह स्थान, यानी कि जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर वह जगह है जिसके अंदर हमारा पिस्टन ऊपर नीचे का मूवमेंट करता है, यानी कि जिसके अंदर हमारा पिस्टन चलता है उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। फिर उसके बाद है बोर, बोर किसे कहते हैं, बोर यानी जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का जो इंटरनल भाग है, यानी कि सिलेंडर का जो इंटरनल व्यास है उसको किस नाम, उसको बोलते हैं बोर। फिर उसके बाद है कंप्रेशन रेशियो, यानी कि कंप्रेशन रेशियो आपने सभी गाड़ियों का सुना होगा कि इसका कंप्रेशन रेशियो कितना है, डीजल गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, पेट्रोल गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो कम होता है, ये कोई कम या ज़्यादा होता है उसके बारे में अलग से बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि उसके अंदर जाना था कि जो हमारा सिलेंडर बोर्ड, यानी कि जो सिलेंडर बोर्ड है उसके अंदर साइकिल के अंदर चार शक्ति, यानी कि चार जो क्रियाएं पूरी हो रही है, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। जब हमारा, यानी कि जो हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर जब सेक्शन की कार्रवाई होती है तो हमारा पिस्टन क्या होता है कि बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर तक पहुंच जाता है। इसके दौरान क्या होता है, जो सेक्शन के दौरान होता है तो क्या होता है, ये हमारा जो आउटलेट वाल है ये क्लोज होता है और इनलेट वाल खुल जाता है। जो इनलेट वाल ओपन होगा तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज हमारा चार्ज या मिश्रण जो भी है, जो हमारी शुद्ध एयर आएगी तो क्या होगा, वो एयर इसमें अंदर सिलेंडर बोर के अंदर क्या होगी, दाखिल हो जाएगी, यानी सिलेंडर के अंदर हमारी एयर आ जाएगी। ये सेक्शन, यानी सेक्शन के दौरान क्या होता है, जो इसके अंदर एयर आ चुकी है, अब जैसे कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद क्या होगा कि हमारे दोनों वाल बंद हो जाएंगे और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की हरकत करेगा तो जो हमारी एयर इसके अंदर आएगी, मान लीजिए ये इसके अंदर पूरा जो एयर इसके अंदर आ गई थी सेक्शन के दौरान, लेकिन जब ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस के दौरान जब ये पिस्टन मान लीजिए आपका यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया, यानी कि यहाँ पहुंचने से इसके ऊपर जो चार्ज था ये चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्ट हो गया, यानी कि जो पूरा चार्ज था उसको क्या किया इसने, एक छोटे से अनुपात के अंदर पूरा कंप्रेस करके रख दिया, यानी कि मान लीजिए यदि पहले इसके अंदर हमारा 10 की मात्रा के अंदर, यानी कि एयर इसके अंदर आई थी
और वो लास्ट में क्या हो गई, एक एरिया के अंदर आ गई। तो यानी कि जब हमारे सेक्शन के दौरान कितनी एयर उसके अंदर आई और जब कंप्रेस पिस्टन उसको किया गया तो उसकी कितनी मात्रा बची, उसी को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो इसको क्या लिख देंगे, 10:1, यानी कि जो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि सेक्शन के दौरान जो हमारी एयर कंप्रेशन चैम्बर सिलेंडर बोर में आई है और कंप्रेस के दौरान वो कितनी बची, यानी कि उसको कितने एरिया के अंदर उसको प्रेशर से कंप्रेस कर दिया गया, वो जो मात्रा है उसका जो अनुपात होता उसी को क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। फिर उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, यानी कि जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है वो क्या है, यानी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी वो होगी कि जब एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि हमारी गाड़ी चल, यानी इंजन चल रहा है, तो क्या होगा सेक्शन इंजेक्शन जो हमारी कार्रवाई होगी सेक्शन के दौरान, अगर नॉर्मल आरपीएम पे गाड़ी चल रही है तो सेक्शन के दौरान उसके अंदर क्या होगा, जो मिक्सचर है यानी कि जो चार्ज एयर है वो प्रॉपर उसके अंदर काटनी होगी। तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि जब हमारी गाड़ी नॉर्मल आरपीएम पे चल रही है तो क्या उसके अंदर एयर है वो एकदम सही आ रही है, यानी कि एकदम जिस हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वह एक रेशियो है, यानी कि एक सामान्य आरपीएम पर सेक्शन के दौरान उसके अंदर कितना एयर उसके अंदर दाखिल हो रही है, और एक जब हमारा हाई आरपीएम के ऊपर जब हमारा इंजन चल रहा है तब इसके अंदर कितनी जो एयर की मात्रा है वो दाखिल हो रही है, यानी कि नॉर्मल आरपीएम के ऊपर तो ज़्यादा एयर उसके अंदर दाखिल होगी, लेकिन जैसे जैसे हाई आरपीएम पे गाड़ी चलेगी तो हमारे जो सेक्शन की कार्रवाई है उसके अंदर जितनी उसके अंदर एयर आनी चाहिए उतनी एयर उसके अंदर नहीं आ पाएगी। तो जितनी एयर आनी चाहिए थी और जितनी एयर उसके अंदर आई है उसके जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। इस इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए जो टर्बो चार्जर लगाए गए हैं वो क्या करते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ही लगाए गए, उसके बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद है कंबशन चैम्बर, उसके बाद हमारा है कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर वह भाग होता है, कंबशन चैम्बर सिलेंडर हेड प्लस पिस्टन के ऊपर, यानी कि हमारे पास एक वीडियो यानी कि पिस्टन के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ कि पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिजाइनिंग के आधार पर पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा पिस्टन होता है उसके अंदर भी किसी के अंदर कोई खड्डा टाइप का, कोई ई टाइप का या ड्रोन टाइप का होगा, और जो सिलेंडर हेड के अंदर जो जगह है यानी कि पिस्टन और सिलेंडर हेड के अंदर जहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो चलता है उसी को क्या बोलते हैं कंबशन चैम्बर। यानी कि जो कंबशन चैम्बर है सिलेंडर हेड में तो होता है, साथ में जो पिस्टन के ऊपर जो जगह बसता है उसको भी क्या बोलते हैं वो पूरा एरिया कंबशन चैम्बर के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद कुछ है नहीं, यानी कि जो हमारे IHP VHP यानी कि IHP इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, फिर उसके बाद है VHP ब्रेक हॉर्स पावर, फिर उसके बाद है FHP फ्रैक्शन हॉर्स पावर। तो जो अब बात करते हैं सबसे पहले IHP यानी इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, ये क्या होती है इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, उस हॉर्स पावर को बोला जाता है कि जब हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, यानी कि जब हमारे सिलेंडर बोर के अंदर जब हमारा पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तो उस दौरान जो भी एनर्जी मिलती है यानी जो भी पावर मिलती है उसी को बोलते हैं हम IHP यानी इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, जो उसके अंदर हमें प्राप्त हो रही है पावर स्ट्रोक के दौरान। फिर उसके बाद है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर वह पावर है जो हमें क्या मिलती है जो फ्लाई व्हील के ऊपर मिलती है, यानी कि इसके बारे में पहले बात इस पर सबसे पहले उससे पहले बात FHP यानी फ्रैक्शन हॉर्स पावर। आपको पता है IHP के दौरान क्या हुआ, पावर स्ट्रोक आपका जनरेट हुआ, पावर स्ट्रोक जनरेट होने के बाद क्या हुआ पिस्टन ने नीचे गियर तक की, पिस्टन के नीचे गियर तक करने से क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड उनको मोमेंट मिला, उनके मोमेंट मिलने से क्या हुआ फिर टाइमिंग पिनियन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट को चाल मिली, क्रैंकशाफ्ट को चाल मिलने से वाल्व ऑपरेट हुई, वाल्व ऑपरेट होने के बाद उसके अंदर क्या जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है यानी कि जो हमारी जो पावर थी उन सभी को मूवमेंट करने के लिए यानी गति देने के लिए जो हमारी पावर लॉस हुई है उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन हॉर्स पावर। तो यानी कि फ्रैक्शन हॉर्स पावर तो क्या हो गया IHP - BHP, यानी कि यदि हमें FHP का मान निकालना है तो क्या होगा इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर माइनस जो ब्रेक हॉर्स पावर, यहाँ फ्रैक्शन हॉर्स पावर यानी फ्रैक्शन हॉर्स पावर है पावर है जो क्या होता है कि जो यानी कि मूवमेंट करने के कारण पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट टाइमिंग पिनियन क्रैंकशाफ्ट वाल्व उनको ऑपरेट करने की जो एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है
उसी को बोलते हैं एक्शन हॉर्स पावर। है उसके अंदर जो कुछ पावर है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर वह पावर है जो हमें लार्ज फ्लाई व्हील पे मिलती है, यानी कि जो बीएचपी है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। ये बीएचपी फ्लाई व्हील पे मिली हुई एनर्जी हॉर्स पावर क्या है, हमें लास्ट पे जो हमारे रोड व्हील तक पहुंचती है। तो बीएचपी बराबर हो जाएगा आईएचपी माइनस एफएचपी, फिर उसके बाद ये यानी कि हमारे टेक्निकल, ये सब हम जो चल रहे हैं टेक्निकल टर्म है, यानी कि इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होने से क्या है कि हम इंजन को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे चाल देंगे, हम उसको बारी बारी के सभी सिस्टम वाइज इनको समझते जाएंगे। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है यानी कि जो हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम, यानी कि स्विफ्ट वॉल्यूम हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। क्लियरेंस वॉल्यूम वो जगह है यानी कि हमने पढ़ा था इसके अंदर, यानी कि कंप्रेशन रेशियो, कंबशन चैम्बर, एक है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको क्लियरेंस वॉल्यूम को वीसी के तौर पर शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम वो जगह है यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम वो जगह है जो पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से ऊपर, यानी कि पिस्टन के ऊपर टॉप डेड सेंटर के ऊपर, यानी कि जैसे पिस्टन टीडीसी में पहुंच जाएगा, पिस्टन के टीडीसी से ऊपर का होगा जो खाली जगह बचती है उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि जो हमारे क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगी, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के ऊपर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो भी स्पेस बचेगा, जैसे कंबशन चैम्बर का हो गया या फिर सिलेंडर हेड के अंदर जो भी स्पेस बचेगा उस सभी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। फिर उसके बाद है स्विफ्ट वॉल्यूम, स्विफ्ट वॉल्यूम यानी क्लियरेंस वॉल्यूम और स्विफ्ट वॉल्यूम दोनों के अंदर अंतर है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि अगर किसी ने आपको जो इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है तो उससे और उसका स्विफ्ट वॉल्यूम दी हुई है तो उससे उसका कंप्रेशन रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। जो स्विफ्ट वॉल्यूम है वो एक समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, ये हमारा पिस्टन था, सेक्शन की कार्रवाई हुई, सेक्शन की कार्रवाई होने से क्या हुआ, इसके अंदर इनलेट वाल्व ओपन हुआ और जो मिक्सर इसके अंदर आ गया, मिक्सर इसके अंदर आने से क्या हुआ, दूसरा स्ट्रोक क्या चलेगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के दौरान क्या होगा कि जो क्योंकि इसके अंदर चार्ज लगाया हुआ है तो हमारा पिस्टन यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक हमारा पिस्टन पहुंच गया, लेकिन हमारा जो टॉप डेड सेंटर है वो तो यहाँ तक, यहाँ पे हमारा टीडीसी है, यानी कि यहाँ पे हमारा टीडीसी है, लेकिन आप कहोगे सर ये तो टीडीसी के ऊपर पहुंचना चाहिए, लेकिन टीडीसी के ऊपर पहुंचेगा, लेकिन उसके दौरान क्या होगा कि जो हमारा एयर है यानी कि जो हमारा चार्ज इसके अंदर आ रखा है उसने भी तो जगह घेरेगा, वो भी तो इसको रोकेगा। यानी कि जब हमारा पिस्टन जब खाली था, किसी प्रकार के दोनों वाल्व खुले हुए थे, तो जब पिस्टन हमारा टीडीसी के ऊपर पहुंच रहा था, लेकिन जब हमारे वाल बंद हो जाएंगे, जो उसके अंदर मिक्सचर आ चुका है, जो चार्ज उसके अंदर आ गया है, वो भी तो कुछ स्पेस घेरेगा, उसके भी तो कुछ उसको जगह चाहिए रहने के लिए, तो हमारा जो पिस्टन है वो क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर पे ना जाके उससे पहले ही रुक जाता है। इसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, यानी कि पिस्टन की वह पोजिशन जहाँ पे ऊपर कंप्रेस यानी कंप्रेस स्ट्रोक के दौरान जहाँ तक हमारा पिस्टन पहुँचता है, यानी टॉप डेड सेंटर के ऊपर ना पहुँच के उससे पहले हमारा पिस्टन क्या होता है, रुक जाता है, उसी को बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। अगर इससे हम कंप्रेशन रेशियो ज्ञात करना पड़े, यानी कि सी आर बराबर यानी कि बी सी क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, इस फॉर्मूले के दौरान हम क्या करते हैं किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका यहाँ तक थी कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे जैसे आगे बीच में और भी आती रहेंगे तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। एक आपने नॉर्मल सुना होगा कि जो व्हील क्लियरेंस यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस फॉर व्हील बेस, कोई भी गाड़ी लेने जाता है वो पूछ लेता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, व्हील बेस कितना है, तो जो व्हील बेस है वो कुछ नहीं है, जो आपके फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील, यानी कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील का सेंटर, जो एक्सल है उसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच की दूरी, यानी कि इसके बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, व्हील बेस। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील के दोनों की सेंटर लेंथ,
सेंटर से जो बीच की दूरी बनती है उसको क्या बोलते हैं, व्हील बेस। उसके बाद आता है ग्राउंड क्लीयरेंस। ग्राउंड क्लीयरेंस मतलब यानी कि टायर से जैसे मान लीजिए हमारे व्हील हो गए, इसके नीचे से वह न्यूनतम भाग जो क्या करता है जमीन से टच होता है, यानी कि यहाँ की जो दूरी जो सबसे फर्स्ट में टच हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं ग्राउंड क्लीयरेंस। यानी कि गाड़ी का वह सबसे नीचे वाला भाग जो जमीन से सबसे कम दूरी पर है उसी की दूरी को लेकर क्या करता है उसका ग्राउंड क्लीयरेंस। यानी कि अगर किसी गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है तो यानी उसकी जो नीचे से हाइट है वो क्या है ज़्यादा है। तो इसके अंदर ये हमारे कुछ टेक्निकल टर्म, इसके अलावा हम धीरे धीरे जो भी अगर कोई नए टेक्निकल टर्म आएंगे तो उसके बारे में बात करते रहेंगे। फिर उसके बाद में कि जो हमारा इंजन है, हम कल लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंजन है वो कैसे काम करता है। उसके अंदर क्या था कि इंजन के दौरान होने वाली जो एक्टिविटी, यानी कि हमने स्ट्रोक पढ़े थे, फोर स्ट्रोक के बारे में बात की थी कल हमने, फोर स्ट्रोक के दौरान जिसके अंदर सेक्शन जो सेक्शन था कंप्रेस था पावर की और एग्जॉस्ट था। अब ये जो चारों स्ट्रोक होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रैंकशाफ्ट जो इसका मूवमेंट यानी होता है इसके साथ क्या होता है, ये हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट इसके आगे फ्लाईव्हील होता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट के साथ जो पीछे वाला रास्ता है क्रैंकशाफ्ट, आप जैसे इंजन को आगे से देखोगे तो आगे तो उसके टाइमिंग पिनियन लगे होते हैं जो किसको क्रैंकशाफ्ट को चाल देते हैं, ऑयल पंप को चाल देते हैं, वाटर पंप को चाल देते हैं, वो क्या होता है फ्लाईव्हील। और जो रियर होता है, रियर में हमारा क्या लगा होता है फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील किससे चाल देता है, जो हमारी सेल्फ मोटर है, सेल्फ स्टार्टर मोटर है, उसका जो पिनियन है वो फ्लाईव्हील के पिनियन के साथ मैच होता है तब उसको चाल देते हैं। जैसे जब हमारे क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट कैसे काम करती है, क्रैंकशाफ्ट कितने प्रकार के, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है।